नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और मैं बताऊँ, इस वीडियो के चलते चर्चा करेंगे आपके करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके दिसंबर 2017 से आपका सितंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलेगा, इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए चैनल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, नवल से चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। उसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली की डेली जो भी वीडियो मिलती है उसकी PDF मिल जाती है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। आपको कल भी मैंने एक करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसमें सेम क्वेश्चन हो, आपके हर वीडियो में आपको अलग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल वाली भी देख लीजिएगा, वो भी आपकी करंट अफेयर से संबंधित थी। तो आपका पहला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका किया गया था विराट कोहली और मीराबाई चानू को। यहाँ पर आपका विराट कोहली है, तो आपका विराट कोहली और मीराबाई चानू को किया गया था। और आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था, वो किया गया था आपका PV सिंधु और देवेंद्र झाझरिया को। अगला आपका, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $50 अरब के साथ में किस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो आपका पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $50 अरब के साथ चीन और पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर में शामिल होने का आमंत्रित किया था। अगला आपका, चालू वित्त वर्ष 2017-18 में भारत को कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, तो वो है आपका इराक। जो आपका मतलब कि चालू वित्तीय वर्ष आपका 2017-18 इसमें भारत को कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, वो आपका इराक है। इसका सबसे बड़ा और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबिल का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो वो किया गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। वो किया गया असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल रोड ब्रिज का निर्माण किया, इसका नाम है बोगीबिल। और मतलब अपने देश का ये सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे नंबर का है। अगला है आपका कि सोलर मामा का संबंध किससे है, तो आपका सोलर मामा का जो संबंध है आपका सोलर पैनल की स्थापना जो हुई है हेतु प्रतिष्ठित महिला है, जो आपका सोलर पैनल मामा का संबंध इससे है, आपका सोलर पैनल स्थापना हेतु प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए संबंध है आपका सोलर मामा से, ठीक है। अगला आपका, एरो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपका एरो इंडिया 2019 का आयोजन जो आपका बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है। अगला आपका, भारत ने किस देश के साथ 82.64 मिलियन डॉलर में $82.64 मिलियन का समझौता किया गया है, जिसके साथ भारत 160 रेल कोच सप्लाई करेगा, वो है आपका श्रीलंका। श्रीलंका ने आपका $82.64 मिलियन के डॉलर के साथ आपका श्रीलंका के 160 रेल कोच सप्लाई करने का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगला आपका, तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर किस शहर के नाम पर रखा गया है, तो आपको पता ही होगा जनवरी माह में आपके जो इसराइल के प्रधानमंत्री थे आपके, वो भारत की यात्रा पर आते, उन्होंने आपका तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर हाइफा तीन मूर्ति चौक नाम रख दिया, जो कि आपका हाइफा इसराइल का शहर है, इसके नाम पर रख दिया गया, ठीक है। अगला आपका, सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील के पद से न्यायाधीश नामांकित होने वाली पहली महिला वकील बन गई हैं, तो वो है आपकी इंदु मल्होत्रा। अपने सुप्रीम कोर्ट में पहले ये वकील थी, अपने सीधे वकील के पद से न्यायाधीश नामांकित होने वाली पहली महिला वकील बन गई, जो कि आपकी इंदु मल्होत्रा हैं, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हैं। और आपके जो प्रेजेंट टाइम में आपके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं आपके रंजन गोगोई, जो कि आपके 46वें नंबर के हैं, ठीक है। अगला आपका, 10 जनवरी को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए के शिवन को। आपका 10 जनवरी को इसरो को नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, और इसरो की फुल फॉर्म होती है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला आपका, 25 फरवरी 2018 को स्वदेश निर्मित ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया, तो किया गया आपका DRDO के द्वारा किया गया है आपका रुस्तम 2 नामक स्वदेश निर्मित ड्रोन का सफल परीक्षण, और DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला आपका, 9 फरवरी 2018 को गुजरात के जामनगर एयरबेस से अकेले ही फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो आपका बता दूँ गुजरात के जामनगर एयरबेस से अकेले ही फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला बन गई, तो वो है आपकी अवनी चतुर्वेदी जी हैं, जो आपकी गुजरात के जामनगर एयरबेस से इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 अकेले ही उड़ाया था। अगला आपका, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो आपका वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में आपका 2018 की रिपोर्ट में आपका 81वां स्थान 81वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला, किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2017 का खिताब जीता है, तो वो जीता आपका श्री सेनी आपका मिस इंडिया US 2017 का खिताब जीता है, ठीक है। अगला, किस राज्य ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने आपका विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अगला आपका, मोबाइल ऐप हमराज
विकसित किया गया, इसका उद्देश्य किससे संबंधित, तो वो है आपका भारतीय सेना से संबंधित है आपका हमराज ऐप का, जो आपका मोबाइल ऐप है आपका हमराज, इसका जो संबंध है आपका भारतीय सेना से संबंधित है, इंडियन आर्मी से। अगला आपका भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नए मानद अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए प्रसून जोशी, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नए मानद अध्यक्ष आपके प्रसून जोशी नियुक्त किए गए हैं। अगला आपका किस प्रदेश की पुलिस में पहली बार महिला कमांडोज को शामिल किया गया, तो वो आपका दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस में पहली बार महिला कमांडोज को शामिल किया गया है। अगला आपका प्रधानमंत्री मोदी ने चैंपियन ऑफ चेंज नाम से एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था आपका रोजगार उत्पन्न कराना। आपका एक प्रधानमंत्री चैंपियन ऑफ चेंज नाम से एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, इसका मतलब कार्यक्रम का उद्देश्य था तो आपका रोजगार उत्पन्न कराना। अगला आपका अलसी फ्रीडम गार्डियन चर्चा में क्यों रहा, तो बता दूं आपका ये एक सैन्य अभ्यास है, इसीलिए आपका चर्चा में रहा अलसी फ्रीडम गार्डियन। अगला आपका वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में निम्न में से किसने भारत के लिए पदक जीता है, तो आपका बता दूं पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने आपका भारत के लिए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में भारत के लिए पदक जीता था। अगला आपका जनवरी 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में देश के सबसे आधुनिक रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया था, तो आपका जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान के आपका बाड़मार का एक पचपदरा शहर है, यहाँ पर आपका आधुनिक रिफाइनरी का शुभारंभ किया गया है। अगला आपका 18 से 20 जनवरी 2018 के बीच खाद एवं कृषि विषय पर 10वें वैश्विक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया आपका बर्लिन, यहाँ की जर्मनी की राजधानी, यहाँ पर खाद एवं कृषि विषय पर संबंधित 10वें वैश्विक फोरम का आयोजन किया गया। अगला आपका प्रधानमंत्री मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुजरात के अहमदाबाद के देव धोरलेरा गांव में किस सेंटर का उद्घाटन किया, तो किया था आई क्रिएटेड सेंटर का उद्घाटन किया आपका मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। अगला आपका फरवरी 2018 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने नोएडा के नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोर कास्टिंग में किस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर का उद्घाटन किया, तो वो किया आपका मिहिर, आपका फरवरी 2018 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपका नोएडा के नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर का उद्घाटन किया, जिसका का नाम है आपका मिहिर, ठीक है। अगला आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्कूली खेलों के प्रथम खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो किया आपका नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से, स्कूली इंडिया खेलो प्रथम का खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से। अगला आपका की ऊर्जा तथा नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस स्थान पर 7वीं इंडिया एनर्जी कांग्रेस 2018 का उद्घाटन किया, तो वो किया आपका नई दिल्ली, 7वीं इंडिया एनर्जी कांग्रेस 2018 का जो उद्घाटन किया नई दिल्ली में हुआ है। अगला आपका फरवरी 2018 में मगही भाषा के किस साहित्य प्रसिद्ध साहित्यकार को साहित्य अकेडमी ने भाषा सम्मान से सम्मानित किया है, तो वो किया आपका शेष आनंद मधुकर, जो वर्ष 2016 के लिए दिया गया था पुरस्कार फरवरी 2018 में, ये आपका मगही भाषा के कवि हैं और इन्हें साहित्यकार को साहित्य अकेडमी ने भाषा सम्मान से सम्मानित किया शेष आनंद मधुकर को। अगला आपका कि किस भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो किया गया आपका नीलम कपूर को, आपका भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला भारत ने गोवा में जल और सीवेज प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किया आपका पुर्तगाल के साथ, भारत ने गोवा में जल और सीवेज प्रबंधन के लिए गोवा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए मंजूरी मुआवजा योजना की शुरुआत की है, तो किया आपका असम राज्य के लिए, आपका गर्भवती महिलाओं के लिए मंजूरी मुआवजा योजना आरंभ की है। अगला आपका केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना के किस प्रमुख युद्ध टैंक के लिए 1000 इंजन की खरीद को मंजूरी दी गई है, तो आपका T-72, ये आपका T-72 है आपका युद्ध टैंक है, इसमें 1000 इंजन की खरीद की मंजूरी दी गई है आपका। अगला भौतिक में नोबल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स के कॉप का निधन हांगकांग में हो गया, ठीक है, इन्हें किस वर्ष नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किया गया था इन्हें 2009 में, अभी मतलब कि ये आपके हांगकांग शहर के आपके चार्ल्स के कॉप, इनको आपका भौतिकी क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला गया और इनका निधन हो गया, तो इनको कब मिला था, इनका 2009 में पुरस्कार मिला था। अगला आपका अमृत योजना के तहत आंध्र प्रदेश को किस रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिला है, तो आपका मिला है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आपका, जो कि अमृत योजना के अंतर्गत यह इंडेक्स जारी किया था, उसे आंध्र प्रदेश में आपका फर्स्ट स्थान मिला है। अगला आपका वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो आपका दिलीप बाबा शाह भोसले। और मैं एक बार बता दूं, अभी आपको इलाहाबाद शहर का नाम चेंज हो गया है, इसको आपका मतलब उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मतलब कि जो भी मंत्री हैं उन लोगों ने इसका
परमिशन दे दी है कि अब इसका नाम आपका प्रयागराज हो जाएगा, इलाहाबाद का अब नाम चेंज होकर आपका प्रयागराज हो जाएगा। इसको मैंने आपका टेलीग्राम चैनल पर इसकी अपडेट दे दी थी। अगला आपका 1 दिसंबर 2017 को एड्स दिवस मनाया गया, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी आपकी स्वस्थ जीवन का अधिकार, स्वस्थ जीवन का अधिकार था आपका कि 1 दिसंबर 2017 को जो आपका विश्व एड्स दिवस मनाया गया। अगला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वो किया है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश को, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला आपका शीतकालीन ओलंपिक शिवा केशवन ने हाल ही में एशियाई लूज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो ये प्रतियोगिता आपकी जर्मनी में आयोजित की गई थी जिसमें शीतकालीन ओलंपिक शिवा केशवन ने हाल ही में एशिया लूज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अगला भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपका भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम इसका 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला आपका कि RBI द्वारा हाल ही में जारी 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट निर्धारित किया है, तो वो किया है आपका 6%। आपको RBI के बारे में रोज ही बताऊँ तो आपको RBI के बारे में बताना कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके इस वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला आपका यूनेस्को ने भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को मानवता की अभ्रंश संस्कृति धरोहर में ग्लोबल इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में शामिल किया है, तो कि आपका योग और कुंभ मेला, जो कि आपका भारत का प्रसिद्ध है योग और कुंभ मेला, इसको आपका ग्लोबल इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया है। आपके यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है आपके यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आपको RBI के बारे में और यूनेस्को के बारे में बताना है। अगला आपका भारत में किस रोग से मुक्त होने की घोषणा की है, तो की है आपका भारत ने ट्रकोमा, आपकी जो ट्रकोमा रोग है इससे आपका मुक्त होने की घोषणा की है। अगला विश्व व्यापार संगठन WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 11वीं मंत्र स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था ब्यूनस आयर्स, आपकी अर्जेंटीना की राजधानी आपकी ब्यूनस आयर्स, यहाँ पर आपका 11वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला आपका दूसरा विश्व पर्यटन व सांस्कृतिक सम्मेलन 2017 आयोजित किया गया, तो वो किया गया आपका मस्कट में। अगला आपका 2 अक्टूबर 2018 से पूरे देश सबकी योजना, यहाँ पर आपका यह है जो आपका कि पूरे देश सबकी योजना सबका विकास नामक अभियान शुरू किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2018 में आपका सबकी योजना सबका विकास शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का विकास, जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र इनका विकास है आपका, इसका मुख्य उद्देश्य कि आपका सबकी योजना सबका विकास। अगला आपका उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को जो पहली बार भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शवाकत मिर्जी आयेब, जो आपके उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, आपके भारत की पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, ठीक है। अगला आपका भारतीय और वियतनाम के तटरक्षकों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया आपका नई दिल्ली में आपका भारतीय और वियतनाम के तटरक्षकों के बीच उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। अगला आपका प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात राज्य में कितने करोड़ रुपए के निवेश आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा को पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है, तो आपको 190 करोड़ रुपये के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात राज्य में आपका आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं और पाइपलाइन के परियोजना का आरंभ किया है। अगला आपका केंद्र सरकार ने सार्वजनिक शौचालयों के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए गूगल कंपनी के साथ मिलकर किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो की है आपकी हैज लू रिव्यू की नामक शुरुआत की है, इसमें आपके सार्वजनिक शौचालय के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए गूगल कंपनी के साथ मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला आपका भारतीय वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर छिपकली की 2 नई प्रजातियों मॉन्टे फॉरेस्ट और स्पिनी हेडेड फॉरेस्ट खोजी हैं, कि आपके भारतीय वैज्ञानिक जो यहाँ पर छिपकली की 2 नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं, जो कि मॉन्टेने फॉरेस्ट और आपका स्पिनी हेडेड फॉरेस्ट, जो कि आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। अगला आपका किस राज्य ने पहली बार चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ दिए जाने की घोषणा की है, तो वो किया आपका असम राज्य में आपका चाय बागानों जो भी महिलाएँ कार्यरत होती हैं उनको मातृत्व लाभ देने की घोषणा की है। अगला आपका पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने हेतु पहल का आरंभ किया है, तो उसका पहल का नाम है आपका सतत, इसकी फुल फॉर्म है आपका सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन उपयोग तौर से कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है। अगला किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रैम वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस ट्रम्स का सफल परीक्षण किया है, वो किया आपका जर्मनी ने। अगला आपका कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो वो किया गया आपका अनिल कुमार चौधरी जी को स्टील अथॉरिटी।
अगला है आपका कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस मशीन का उद्घाटन किया, तो वो किया आपका वायु, इसका मशीन का नाम है वायु, जिसके आपका पर्यावरण से निपटने के लिए मतलब कि जो भी प्रदूषण से समस्याएं हैं निपटने के लिए इसका पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने वायु मशीन का उद्घाटन किया है। अगला 5 सितंबर 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे फिर से चुना गया, तो वो चुना गया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को, ये आपकी फिर से इसके निदेशक बन गई आपकी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में। अगला आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो वो किया गया आपका एहसान मनी को, एहसान मनी को आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला आपका 6 नवंबर 2018 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच का आयोजन किया जाएगा, यह किसके बीच खेला जाएगा, तो खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच। अगला आपका पंजाब ने किस राज्य के साथ 2793 करोड़ रुपए की लागत वाले शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए आपका जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ओपन 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता, तो आपका जीता नोजोमी ओसाका को, यहाँ पर नोजोमी है आपका, नोजोमी ओसाका ने जीता है, आपकी जापान की रहने वाली हैं, इन्होंने US ओपन 2018 का खिताब जीत लिया है। अगला आपका एक्सिस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया आपका अमिताभ चौधरी को, अब प्रेजेंट टाइम में तो अभी आपकी शिखा शर्मा जी हैं, अब जो अमिताभ चौधरी का जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो आपका 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अभी जो है मैं बता दूँ HDFC लाइफ इंश्योरेंस के आपके ये यहाँ पर अधिकारी आपके अमिताभ चौधरी, उनका 1 जनवरी 2019 से आपका एक्सिस बैंक के MD और CEO नियुक्त हो गए हैं। अगला आपका सीड्स ऑफ टू पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है आपके कपिल सिब्बल हैं आपके सीड्स ऑफ तृत के लेखक। अगला 75वें वेनिस फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया आपका रोमा को, रोमा फिल्म में इसको 75वें वेनिस फिल्म समारोह से सम्मानित किया गया है। अगला आपका IAAF कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो आपके IAAF कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए अरपिंदर सिंह बन गए हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने।